नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम प्रतापगढ़ से करेंगे। जिनका होता है गाड़ी में बसेरा, वो कहलाते हैं गाड़िया लोहार। बैलगाड़ी इनका घर है और लोहारी इनका पेशा, इसलिए इनको गाड़िया लोहार के नाम से जाना जाता है। आज ये दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। इतिहास प्रसिद्ध गाड़िया लोहार महाराणा प्रताप की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। महाराणा प्रताप की सेना के लिए घोड़ों की नाल, तलवार और अन्य हथियार बनाते थे। आज वे दर दर की ठोकरें खाते हुए एक घुमक्कड़ जिंदगी बिता रहे हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से लोहा लिया और मेवाड़ मुगलों के कब्जे में आ गया, तो महाराणा की सेना में शामिल गाड़िया लोहारों ने प्रण लिया कि जब तक मेवाड़ मुगलों से आजाद नहीं हो जाता और महाराणा गद्दी पर नहीं बैठ जाते, तब तक हम कहीं भी अपना घर नहीं बनाएंगे और अपनी मातृभूमि पर नहीं लौटेंगे। तब से आज तक अपने प्रण का पालन करते हुए गाड़िया लोहार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर नहीं चढ़े हैं। मेवाड़ भी आजाद हो गया और देश भी, लेकिन ये गाड़िया लोहार आज भी अपने उसी प्रण पर अड़िग होकर ना तो अपनी मातृभूमि पर लौटे और ना ही अपने घर बनाए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गाड़िया लोहारों का प्रण तोड़वाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। तब कुछ गाड़िया लोहारों ने चित्तौड़ में अपने घर बसाए थे, लेकिन अधिकांश लोहार अपने प्रण पर आज भी कायम है। सरकार ने इन्हें भी बसाने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन ये पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पाई। 1956 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका व्रत तोड़वाने के लिए एक अभियान उन्होंने किया था और उनके साथ कुछ गाड़िया लोहार चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़े थे। लेकिन चूंकि इनका जो जीवन की वृत्ति है वो इस तरह से बन गई है कि वे मकान बना के नहीं रहते। हालांकि वर्तमान में सरकार ने इनको कई जगह पट्टे दिए हैं, जमीनें दी हैं और इनको स्थायी रूप से निवास करने के लिए इनसे आग्रह किया है, लेकिन ये लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए अभी भी एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते हैं। घुमक्कड़ जिंदगी जीने वाले गाड़िया लोहारों ने प्रतापगढ़ में भी अपना डेरा जमा रखा है। यहाँ सड़क के किनारे इनकी अस्थायी बस्ती बसी हुई है। मिट्टी के 5-6 फीट ऊंचे मकान, 2-4 मवेशी, एक बैलगाड़ी और कुछ लोहा लक्कड़ ही इनकी संपत्ति है। सर्दी हो या गर्मी या फिर बारिश, यहीं पर इनका डेरा जमा रहता है। शादी ब्याह हो या कोई पर्व त्योहार, सब कुछ इनका यहीं पर संपन्न होता है। लोहे के औजार बनाकर जो कुछ भी मिलता है उससे ही अपना परिवार का पेट पालते हैं। इनके परिवार की महिलाएं पुरुष से अधिक मेहनती होती हैं। तेज गर्मी के दिनों में भी लोहा कूटने का कठोर श्रम इनकी महिलाएं ही करती हैं। और जब भी चाहा ये अपनी बैलगाड़ी लेकर दूसरे ठिकाने पर चल देते हैं। ये लोग कृषि उपकरणों के साथ रसोई में काम आने वाले छोटे मोटे औजार भी बनाते हैं। परिवार का गुजर बसर करने के लिए ये लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपना खून पसीना एक कर देती हैं। लोहे को कूट कूट कर औजार का रूप देना और बाजार में इन्हें बेचना इनकी यही एकमात्र जीविका का साधन है। देश आजाद हुए 65 वर्ष बीत गए। सरकार ने इन लोगों के लिए कई योजनाएं भी बनाई, लेकिन उन योजनाओं का कितना लाभ इन लोगों तक पहुंचा ये इनकी हालत देखकर साफ पता चल पाता है, क्योंकि आज भी इनकी हालत दयनीय बनी हुई है। महिलाओं की स्थिति इस समाज में बहुत दयनीय है। बहुत भारी श्रम उनको करना पड़ता है। कानून की जानकारी उनके पास नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं तो कहूँगी कि बेसिक जो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, इलेक्शन के अंदर इनका पार्टिसिपेशन, डेट इज ऑलमोस्ट निल, बिल्कुल जीरो कहा जा सकता है। गाड़िया लोहारों की नई पीढ़ी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि अब समय बदल गया है और अब ये गाड़िया लोहार पढ़ना चाहते हैं, बैलगाड़ी की जगह पक्के मकानों में रहना चाहते हैं, जहां पर पीने के लिए साफ पानी और बिजली की उचित व्यवस्था हो। लेकिन मेवाड़ का गौरव कही जाने वाली इस जाति के प्रति प्रशासन का रवैया
बिल्कुल उदासीन है। ये अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं तो राशन कार्ड मांग लिया जाता है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है जो कि इनके पास नहीं होता। सरकार शिक्षा का अधिकार कानून बनाती है लेकिन इस कानून का फायदा भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, पेयजल के लिए इनको दर दर भटकना पड़ता है। मजबूरी में इनके परिजन अपने बच्चों से लोहारी का काम करवाते हैं। हम क्यों इंसान नहीं है क्या? हमारी मुसीबत क्यों सरकार ने सुन ली है? हमारे किस बात की भूल है? नहीं तो हमारे को मकान देते हैं, नहीं राशन कार्ड बनाते हैं, नहीं हमारी कोई सुविधा होती है, नहीं हमारे बाल बच्चों को भर्ती नहीं करते हैं। ऐसा हमने क्या गुनाह कर, इसका कोई रास्ता निकालो, इसका कोई उदाहरण करो। हम भी ये फटक पे भर गए, हमारी मुसीबत अभी उनके पास पे है, क्या करें हमें? हम खानदान के गाड़ी में रहते हैं, क्या बोल लो यार, पीटते हैं, इसी बात पे हम क्या मेरे उनके खाते। स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आकर इनकी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि इस जाति का विकास हो सके। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें समझने की जरूरत है कि ठहराव से ही इनका विकास संभव है, इसलिए इस ओर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। सरकार को भी इनके आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए भरसक प्रयास करने की जरूरत है, तभी जाकर ये जाति समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएगी। HBC न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से अनुपम परदेशी की रिपोर्ट। सबसे बड़ी समस्या है इनकी सोच में परिवर्तन कैसे लाया जाए, और इसी काम के अंदर लिए हमें स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे बुलाना होगा। इनके लिए हमें एक मंच तैयार करना होगा जहां पर हम इनसे संबोधन कर सकें और इनके विचारों को ले सकें, आदान प्रदान हो विचारों का, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि तभी इस समाज का विकास। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जीव प्रेम से, जहां पर जीव प्रेम सर्वदा व्याप्त है। तो चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाने की, जहां पुलिस के मेहमान है भूख प्यास के मारे भटकते पक्षी, जहां इनका पूरा ख्याल रखा जाता है, आवभगत की जाती है। रठांजना थाने की स्थापना 6 साल पहले हुई थी। अपनी स्थापना के बाद से यहां कार्यरत पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली ऐसी रही कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास को चरितार्थ किया। जिले में ये अकेला थाना है जहां एक भी मामला लंबित नहीं है। पिछले कुछ माह में इस थाने में ब्लाइंड मर्डर के 2 प्रकरणों का खुलासा करके वाहवाही लूटी है। अफीम, ब्राउन शुगर और हथियारों की तस्करी के खिलाफ भी अपना शिकंजा कसा है। पिछले वर्ष 2 ब्लाइंड मर्डर का ट्रेस आउट किया था जो काफी चर्चित रहे हैं, और अब तक 2 वर्षों में करीब 14 NDPS का केस दर्ज कर चुके हैं जो की जिले में सर्वाधिक है। रठांजना थाना पुलिस ने न सिर्फ अपराधियों में भय कायम किया है बल्कि पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाया है। भीषण गर्मी में पानी और सुरक्षित आवास स्थल के लिए भटकते पक्षियों को आसरा देने के लिए पुलिस कर्मियों ने अपने थाने में ही खास इंतजाम किए हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं। थाना प्रांगण में पक्षियों का घोंसला बनाने के लिए नीट बॉक्स लगाए हैं, पेड़ों पर परिंदे बांधे हैं, जमीन पर पानी के छोटे छोटे कुंड भी बनाए हैं। तेज गर्मी में पक्षियों को यहां आकर काफी राहत मिलती है। नतीजा ये हुआ कि पक्षियों ने यहां अपना अच्छा खासा डेरा जमा लिया है। दिन भर थाने में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। पुलिस के जवान समय निकालकर इन बेजुबान की सेवा में लग जाते हैं, इनके दाने पानी का पूरा इंतजाम करते हैं। काफी पेड़ पौधे लगाए गए, इनके कारण पशु पक्षी ज्यादा विचरण करने लगे, जिससे पक्षियों की तादाद बढ़ने से उनके रहने के लिए बर्ड हाउस बनाया गया स्थान में, जिसमें तरह तरह प्रजाति के पक्षी निवास कर रहे हैं।
आमतौर पर आमजन में पुलिस की छवि अच्छी नहीं होती। पुलिस को बेरहम कठोर दिल का माना जाता है, लेकिन रठांजना थाना पुलिस का बेजुबान पक्षियों के प्रति प्रेम देखकर ये धारणा कुछ बदल जाती है। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ के जंगलों में तेंदुओं का जीवन संकट में आ गया है। हाल ही में हुई वन्य जीव गणना में तेंदुओं की संख्या में काफी कमी आई है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के जंगलों और सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में मनुष्यों के बढ़ते अतिक्रमण से तेंदुआ हर वक्त खौफ की जिंदगी जी रहा है। अपना पेट भरने और सुरक्षित रहने के लिए इसे काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। हर पल इसे डर बना रहता है कि कोई आकर उसके घर पर कब्जा न कर ले, कोई उसका शिकार न कर ले या फिर कोई उसे जहर देकर मार न दे। प्रतापगढ़ के जंगलों में तेंदुए के निवास स्थलों को उजाड़ कर बस्तियां बना दी गई हैं। हालात तो ये है कि अब तेंदुए यहाँ पर लगभग कम ही संख्या में रह गए हैं। सेंचुरी और ये इससे जुड़ा हुआ रिजर्व फॉरेस्ट 1965 तक यहाँ पे टाइगर थे, उसके बाद फिर ये टाइगर यहाँ से खत्म हो गए। अब इस जंगल में पैंथर सबसे बड़ा शिकारी जीव है, लेकिन विगत कुछ टाइम से इस सेंचुरी की और इस जंगल की इतनी दुर्गति हो चुकी है, इतना इस जंगल के खात्मा हो चुका है कि इन जीवों पे भी संकट आ गया है। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह बड़े बड़े पेड़ काटकर खेत बना दिए गए हैं। यहाँ तक कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों और तेंदुए के निवास स्थलों और उनकी गुफाओं के आसपास भी पेड़ काटकर खेत बना दिए गए। और तो और वन के भीतर ईंट भट्टे चल रहे हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण और आसपास के वनों में तो 8,000 से अधिक लोग आकर बस चुके हैं। ऐसे हालातों में तेंदुए और अन्य वन्य जीवों का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। अब तेंदुए चाहे तो जाए कहां, वहीं तेंदुए इंसान जैसे खौफनाक शत्रुओं से सुरक्षित आवास स्थल के लिए दर दर भटकता रहता है। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन कर दिया कि जो पूरा स्टाफ है वो पूरे जंगल में गश्त करेगा कि और कहीं कोई जानवर की कैजुअल्टी नहीं है या कोई पालतू एनिमल मरा हुआ कोई। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण सहित प्रतापगढ़ के जंगलों की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि तेंदुए और अन्य वन्य जीवों के लिए अपने आवास स्थल का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आखिर ये बेजुबान जाए तो जाए कहां? तेंदुए के मुख्य शिकार खरगोश हिरण आदि का इतना शिकार हो चुका है कि अपने शिकार के लिए तेंदुए को मीलों तक भटकना पड़ता है। जो भी समस्याएं आती है अवैध कटान की, अवैध कास्त की, स्टाफ मुस्तैदी से रहता है और अवैध कास्त की अभी वन अधिकार के अंतर जो पट्टे दिए गए, वन अधिकार दिए गए हैं आदिवासियों को, तो उसमें थोड़ी सी प्रवृत्ति इनकी बड़ी है वो जंगलात की जमीन पर अतिक्रमण करने की, वो हम कर रहे हैं कंट्रोल। खाल और नाखून के लिए तेंदुए को फंदे में फांस कर या जहर देकर मार दिया जाता है। जब कभी गाँव में घुस कर या जंगल में बसे अतिक्रमियों के पालतू मवेशी का यह शिकार कर लेता है तो इसकी जान पर भी बनाती है, और तब इसके शिकार के लिए किसी जानवर पर जहर मिला देते हैं जिसे खाकर तेंदुआ बेमौत मारा जाता है। और अभी दो दिन पूर्व ही पीपल खूट के जंगल में एक तेंदुए को जहर देकर इसी तरीके से मार दिया गया, और उसके साथ ही सिवेट और अन्य जानवर भी मारे गए थे। और आज तो ये हालत है कि बघेरा जिसको पैंथर कहते हैं वो भी अब धीरे धीरे कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि उसके खुराक का अभाव हो गया है। जंगल में अतिक्रमण होने से जानवर कम पड़ गए हैं और ये बघेरा मवेशियों को, कुत्तों को, लोगों के पालतू जानवरों को मारना चालू कर दिया है। तो इसमें कई बार ऐसा भी सामने आया है कि उसके अंदर, उसके मारे हुए जानवर के अंदर लोग बाग जहर वगैरह डाल देते हैं जिससे अपने वो खाता है तो मर जाता है जानवर। प्रतापगढ़ के जंगलों